मित्रों, हमास और इजराइल के दरमियान शदीद लड़ाई इस वक्त भी जारी है और इजराइल के अंदर उनकी फौज के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्योंकि जब हमास वाले अंदर घुस के आए गजा से इजरायली ऑक्यूपाइड टेरिटरीज के अंदर, तो एक बड़े जनरल उनके हैं, उन्होंने बड़के मारी कि एक घंटे के अंदर अंदर एरिया खाली करा लेंगे। लेकिन अब 48 घंटे हो गए हैं, एरिया खाली करना तो दूर की बात है, मजीद एरियाज उनके हाथ से निकल गए हैं और जो डेथ टॉल है वो बढ़ता चला जा रहा है। बदकिस्मती के साथ फ़लस्तीनियों का भी जो डेथ टॉल और ज़ख्मियों की जो नंबर है, फिगर है, बढ़ती चली जा रही है और इनके भी बढ़ते चले जा रहे हैं। 600 लोग मारे जा चुके हैं अब तक, इजरायलियों के 600 लोग मारे जा चुके हैं 15 साल के अंदर। अगर आप देखते हैं तो 15 साल की फिगर कंबाइन करें और कल के एक दिन की फिगर कंबाइन करें तो कल वाली जो फिगर है वो 15 साल से ज़्यादा है। इतने इजरायली आज तक नहीं मरे रिसेंट हिस्ट्री में जितने एक दिन के अंदर वहाँ पर मारे गए हैं। अच्छा, ऑफिशियल फिगर्स कितनी हैं उसके लिए आपको इजरायली मीडिया दिखाता हूँ। टाइम्स ऑफ इजरायल ने खबर लगाई हुई है कि डेथ टोल फ्रॉम हमास ऑनस्लॉट पासेस 600, ओवर 100 किडनैप्ड एज इजरायली स्ट्राइक्स गाजा। 600 लोगों में बेशतर इनके फौजी हैं। ओवर 2000 वाउंडेड एंड रिलेटिव्स ऑफ मिसिंग इशू इंपेशेंट प्लीज फॉर हेल्प। IDF स्टिल वर्किंग टू क्लियर टेररिस्ट फ्रॉम इजरायली कम्युनिटीज। ओवर 34 आवर्स आफ्टर असॉल्ट बिगन। 34 घंटे हो गए हैं अभी तक इजरायली फोर्सेस जो है वो शहरों को खाली नहीं करा सकी। अच्छा, पहले तो ये दिखा दूँ ना आपको कि वो अंदर कितना घुस गया है। टाइम्स ऑफ इजरायल कहता है कि दी टाउन्स इंक्लूड नहालोज, इरेज, नीरम और पता नहीं इजरायली नाम उन्होंने दिए हुए हैं, लेकिन 8-10 शहरों के नाम उन्होंने लगाए हुए हैं कि इन 8-10 शहरों के अंदर हमास वाले घुस के आ गए हुए हैं और उनका जो है वो कंट्रोल बेशतर इलाकों में अभी तक है। और मजीद वो कहते हैं टाइम्स ऑफ इजराइल वाले कि बट इनसाइड इजराइल सिक्योरिटी फोर्सेस वर स्टिल स्ट्रगलिंग टू क्लियर टेरर सेल्स इंट्रेंच्ड विद इन डेविएस्टेटेड कम्युनिटीज। ओवर 34 आवर्स आफ्टर द कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट बिगन। 34 घंटे के बाद भी सिक्योरिटी फोर्सेस इजराइल की वो स्ट्रगल कर रही हैं, एरियाज खाली नहीं करा पाए। अच्छा, मज़े की बात देखिए यहाँ पर कि वो जो वेस्ट वाले हैं, वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म आपने सुना होगा, एक इनके अंदर इल्ज़ाम लगता है कि इनमें कोई कौम परस्ती का जज्बा है वेस्ट वालों के अंदर कि हम सुपीरियर हैं, और इसी की फिर आपको झलक जो है मुख्तलिफ फोरम्स पर नज़र आती रहती है। इंडियंस भी कहते रहते हैं कि ये वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म है, टाइम टू टाइम जयशंकर बयान देता रहता है, चाइना तो खुल के कहता है और रशिया। इसराइल के लिए भी कहा जाता है कि ये लास्ट रिमेनिंग पोस्ट है, आउटपोस्ट है वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म की। वेस्ट वालों ने क्रिएट किया था ना इसराइल, तो उसके जो क्रिटिक्स हैं वो कहते रहते हैं कि दिस इज़ द लास्ट रिमेनिंग आउटपोस्ट ऑफ वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म। तो वहाँ से भरपूर किस्म के बयान आ रहे हैं मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ के। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं, ज़बानी तौर पर सिर्फ बातें कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिकली इकदाम उठा रहे हैं। सच इज़ अमेरिका, $8 बिलियन पहले ही दिन उन्होंने फेंक दिए उनके सामने, ये लो बच्चा आयश करो। लेकिन आपको साथ में ये बताऊँ कि चाइना से खुश नहीं है इजरायली जो हैं, चाइना से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ के लिए वो कह रहे हैं कि हम तो बड़ा होप कर रहे थे कि ये तो हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि चाइना की देखें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनके साथ है, वेस्ट बैंक वालों के साथ, महमूद अब्बास के साथ, हमास वालों के साथ नहीं है। तो इनको लग रहा था कि हमास की कंडेमिनेशन होगी और बहुत कुछ कहेगा चाइना, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा चाइना ने बयान क्या दिया है, ब्लूमबर्ग को देखिए। ब्लूमबर्ग कहता है चाइना रिट्रेट्स टू स्टेट सॉल्यूशन नीडेड फॉर इजराइल पैलेस्टाइन। China deeply concerned about the intensification of violence. Foreign Ministry calls for independent Palestinian state. पहले ही दिन उन्होंने कह दिया था। अच्छा, इनका जो फलस्तीन का मॉडल है ना, कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर वेस्ट बैंक के अलावा जरूशलम जो है ना, बैतुल मुकद्दस, ईस्ट जरूशलम, वो उसका हिस्सा है, उसका कैपिटल है चाइनीज़ मॉडल के अंदर। तो उन्होंने पहले ही दिन ये कहा था, जब ये क्लैशेस स्टार्ट हो गए तो पहले ही दिन उन्होंने कहा था कि ये जो है ना इस तरह से एक इंडिपेंडेंट स्टेट होनी चाहिए। तो इजरायली इस पे खफा है, उन्होंने कहा कि आपको तो हम दोस्त समझते थे,
आपने तो कुछ किया ही नहीं, हमारे लिए बात ही नहीं की कोई यार, ये क्या बात हुई? कि इजराइल एक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्गर कंडेमिनेशन ऑफ हमास फ्रॉम चाइना, बीजिंग एम्बेसी ऑफिशियल से। वो कहते हैं आपको तो हम दोस्त समझते हैं भाई, उनकी जो एम्बेसी है वहां पर बीजिंग में, उनका एक ऑफिशियल कह रहा था, तो आपने हमारे लिए कुछ ज्यादा बात ही नहीं की, तो हम दुखी हैं बड़ा, दिल टूट गया यार, ये क्या किया आपने। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि अक्सर जो मुसलमान ममालिक हैं वो फलस्तीन, जब बात आती है ना फलस्तीन की, तो उनकी नज़र में होता है वेस्ट बैंक और महमूद अब्बास वाली फलस्तीनी अथॉरिटी, उसको मानते हैं वो लोग। लेकिन यहाँ ये जो हमास है, अब हमास वो कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इस तरह की आइडियोलॉजी रखते हैं। वो कहते हैं ये जो है ना इजरायली फोर्सेस, ये इस तरह के लोग हैं जिनसे हमारा पाला पड़ा है कि इनके साथ निगोसिएशन बातचीत हो ही नहीं सकती भाई, ये किस किस्म के लोग हैं, इनके साथ क्या बात करेंगे आप। तो हमास वाले बात से ज़्यादा इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि इनको उन्हीं की ज़बान में समझाना चाहिए। तो हमास को बहुत सारे मुसलमान मुल्क जो है रिकॉग्नाइज नहीं करते, ये अलग बात है कि ईरान जो है उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, बहुत सारे और भी मुसलमान मुल्क ऐसे हैं जो कि इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, लेकिन अक्सर जो मुसलमान मुल्क हैं मेजॉरिटी वो इनको मानते हैं फलस्तीनी अथॉरिटी को। लेकिन यहाँ पर देखें महमूद अब्बास का खुद का भी स्टेटमेंट आ गया ना कल कि हमारा ये राइट है कि हम अपने आप को डिफेंड करें, महमूद अब्बास ने इसको एक तरह से ओके किया हुआ है, ये जो रेजिस्टेंस चल रही है उसको महमूद अब्बास ने भी ओके किया हुआ है, उनका इसमें यूँ समझे कि आशीर्वाद हासिल है उसको। बहरहाल अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि ये जंग कम तो नहीं हुई, बल्कि उल्टा हिजबुल्ला वाला जो फ्रंट है लुबनान वाला वो भी खुल गया है, वहाँ से हिजबुल्ला ने ताबड़तोड़ मिज़ाइलों की बारिश की है और कई सारी जो चेक पोस्ट हैं इजरायली आर्मी की वो उन्होंने धपड़दूस की हैं, उनके रेडार साइट्स भी उन्होंने धपड़दूस की हैं, तो वहाँ से भी इंगेज करके बैठे हुए हिजबुल्ला वाले इजरायली फोर्सेस को। और एज ऑफ नाउ कोई 40 घंटे से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, 48 घंटे से ज़्यादा का अरसा इस जंग को गुजर चुका है, लेकिन दूर दूर तक इसका कोई एंड नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। और ये जो हमास वाले घुस गए हैं जिन शहरों में, उन शहरों में आखिरी इत्तला आने तक उनकी पोजिशन मजबूत है।